हाय एवरीवन, मैं विशाल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो है एक रेसिपी की जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल है, जिसमें तीन तरह की वेजिटेबल्स ऐड की हुई है। तो इस रेसिपी में आपको बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पहले ही लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले है और इसमें रेसिपी भी मिलेगी जिसमें विटामिन मिनरल्स भी हाई हो गए। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कीजिए, इसमें हर तरह के विटामिन मिनरल्स आपको मिलने वाले। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 15 ml तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल ही लिया है, उसमें करी लीव्स डाल दिए है। मुझे ज़्यादा करी लीव्स पसंद है, जिससे जैसे मुझे ज़्यादा चिल्ली पसंद है वैसे मुझे ज़्यादा करी लीव्स पसंद है, और करी लीव्स आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी इस नीचे वाले फ़ोन के लिए, मैं टीवी देखते देखते पका रहा था सब्जी तो इसलिए ये भी आ गया। बाद में मैंने इस क्लिप में वो हटा दिया है, पर शुरू में मैंने देखा नहीं था कि फ़ोन आया इस वीडियो में। तो देखे इस, आप जब तड़का दे रहे हो ना तब कम ही फ्लेम पे उसको तड़का देना, कोई भी चीज़ हो, चाहे भी आप कुछ भी बना रहे हो, आप तड़का दे रहे हो हमेशा लो फ्लेम पे ही देना। तो यहाँ पे 3 लाइट्स इंडक्शन के चले, इसका मतलब 130 डिग्री सेल्सियस पे इंडक्शन चल रहा है, 3 लाइट्स मतलब कि तो बहुत कम इस पे चल रहा है। और इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, करी ली उसको थोड़ा सा करकरा ही बनाना है ताकि वो अच्छा लगे। तो ये यहाँ पे बनने के बाद, इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। इस वेजिटेबल्स में हम 3 वेजिटेबल्स डालेंगे, 3 तरह की, जिससे हर तरह के विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप हर रोज़ 3 तरह के फ्रूट्स खाते हैं तो आपको हर तरह के विटामिन मिनरल्स उससे मिल जाते, वैसे आप हर दिन 3 तरह की सब्जियां खाओगे तो आपको उन 3 सब्जियों में से हर तरह के विटामिन मिल जाते। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड डाला है, मस्टर्ड आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें मस्टर्ड डाला है। तो मस्टर्ड डालने के बाद इसमें अब डाली है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, रेड चिली आप मत खाइए। मैं तो आपको हमेशा सजेशन देता हूँ कि ग्रीन चिली आप मत ही खाया कीजिए। तो ग्रीन नहीं, रेड चिली, सॉरी रेड चिली, मुझसे गलती से ग्रीन बोला गया, रेड चिली। रेड चिली आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है, आपके क्या बोलते हैं उसको, पाइल्स का कारण बनती है। पाइल्स, पाइल्स का गर्म मसाला और रेड चिली, ये सबसे बड़ा बेसिक कारण होता है पाइल्स का। तो यहाँ पर ग्रीन चिली डालता हूँ मैं हर सब्जियों में, आप लोगों को पता होगा जो मुझसे पिछले वीडियो से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, जो न्यू आए हैं उनको नहीं पता होगा। तो आप ग्रीन चिली ही ऐड करना। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ व्हाइट ऑनियन, मतलब कि सफ़ेद प्याज। आप चाहे तो रेड भी ले सकते हो, पर ये वाला प्याज बहुत टेस्टी लगता है, मुझे पर्सनली ये वाला बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये डालता हूँ। आपको रेड पसंद है तो आप रेड डाल सकते हो। ऑनियन डालने के बाद इसको फिर से अच्छी तरीके से चलाते रहना है। आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोज़ देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया होगा कि ऑनियन डालने के बाद उसमें मैं तुरंत बाद सॉल्ट डालता हूँ ताकि ऑनियन से पानी निकले और उस पानी से वो खुद को पकाए, ना कि तेल में खुद को पकाए, तेल वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए, आप सॉल्ट तुरंत डाल दीजिए अब ऑनियन डालने के बाद। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से चला लेना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसको पकाना है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होने के बाद इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। अभी इसमें टर्मरिक नहीं डालनी है, टर्मरिक भी ऑयल सोख लेती है, टर्मरिक भी बाद में डालेंगे हम, अभी टर्मरिक इसमें नहीं डालनी है हमें। तो यहाँ पे हमको इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना है। प्याज को ज़्यादा देर तक चलाओगे तो ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो हमेशा आपको प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही चलाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, ये हरी शिमला मिर्च डाल रहा हूँ। आप चाहो तो येलो वाली भी डाल सकते हो, आप चाहो तो रेड वाली भी डाल सकते हो, आप चाहो तो तीनों का कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उससे में ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ पर गाँव में रहता हूँ तो हमारे यहाँ सिर्फ ग्रीन चिली मिलती है, रेड और पिंक वाली चिली हमें, रेड और येलो वाली, सॉरी येलो वाली ग्रीन चिली हमें नहीं मिलती है, तो हम ग्रीन ही खाते हैं, पर ग्रीन भी बहुत टेस्टी लगती है। रेड और येलो जब वो नई नई आई थी मार्केट में तब मिलती थी हमें यहाँ पे, पर अब नहीं मिलती। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर को भी अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है।
कॉलीफ्लावर को ब्लांच नहीं किया है। कोई कोई लोग ब्लांच करके उसका सब्जी बनाते हैं, उसका हर तरह का विटामिन मिनरल्स उसी पानी में निकल जाता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो कॉलीफ्लावर को अच्छी तरह से धो करके फिर उसको काटना है, और मैंने देखा है कि लोग काटते हैं फिर धोते हैं सब्जी को, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरी खुद की पर्सनल माँ ये करती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सब्जियों को काटने के बाद धोए। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि आप सब्जियों को काटते हैं उससे पहले उसको धोइए, फैन के नीचे उसको सुखाइए, फिर अच्छी तरीके से काटिए और उसके बाद उसको सब्जी के लिए यूज़ कीजिए। उसके बाद ये सारी सब्जियां डालने के बाद इसमें टर्मरिक डालनी है। टर्मरिक आप पहले डालोगे तो सारा ऑयल खींच लेगी, और ये सब्जी में मैंने आपको दिखा है सिर्फ 15 ग्राम ऑयल डाला हुआ है, और इस सब्जी में मानकर चले 150 से भी कम कैलोरीज है इसमें, 141 ही कैलोरीज है। मैंने इसमें देसी घी लास्ट में ऐड किया है, उससे उसकी 100 कैलोरीज ऐड हो जाती है, मतलब 250 कैलोरीज उसमें हो जाती है। पर अगर आप उसमें देसी घी नहीं डालोगे तो 150 के नीचे कैलोरीज होगी, जो कि ये पूरा पैन भर के सब्जी है। तो इस बात का, ऑयल में कैलोरीज होती है, ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वेट लॉस की प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना। ऑयल आपको हमेशा स्लिम ही करता है, ऑयल हेल्दी ऑयल हमेशा आपको स्लिम करता है, अनहेल्दी ऑयल हमेशा आपको मोटा करता है। तो ऑयल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आकर जा कर के देख लेना आप सब लोग। तो इसको पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला लेना है, और पानी डालने के पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी इसमें डालना है, और ज़्यादा पानी मत डालना, सारा सब्जी उसमें ऐसा चिपचिप हो जाएगा। तो आधा ग्लास ही इसमें पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद इसमें फिर से 3 लाइट्स पे ही चला है, बाद में 2 कर दिया है, कम कम करते करते इसको अच्छी तरीके से पकाना है। और ये पकने के बाद थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाती है, पर इससे इसका कोई गुण कम नहीं होता है, ताकि आपने उसको ढक्कन डाल के पकाया था इसलिए उसका विटामिन मिनरल्स उड़ा नहीं है भाप के साथ, तो इसलिए वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। कुकर के विटामिन मिनरल डिप्लीट होते हैं, पैन के विटामिन मिनरल्स डिप्लीट नहीं होते, इस बात का ध्यान दीजिए। ये सब्जी यहाँ पे बन चुकी है, इंडक्शन को मैंने आपको दिखाया कि इंडक्शन को बंद करने के बाद मैंने इसमें कोरिएंडर डाला है, कोरिएंडर ढेर सारा डाला है, कोरिएंडर बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उसमें होते। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जी हो गई, 4 सब्जी हो गई, मैंने 3 बोला था, पर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इस सब्जी से आपको मिल जाएंगे। कोरिएंडर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, मिलाने के बाद इसको फिर से ढक्कन डाल के 5-10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये कोरिएंडर ग्रीन टी जैसा इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए, आधा पक जाए इसमें, क्योंकि कच्ची वेजिटेबल्स भी आप अच्छी कच्ची और पकी एक साथ नहीं खा सकते हो। तो सेमी तरह से आधी पकी हुई कोरिएंडर हो जाएगी इसमें, इस गर्म सब्जी में। तो कोरिएंडर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, देखिए कितना कलरफुल और कितना टेस्टी डिलीशियस सब्जी लग रहा है, और विटामिन मिनरल से लैस होने के साथ साथ हाई फाइबर होता है इसमें। मैं अपनी हर सब्जी में पीनट्स डालता हूँ, इस सब्जी की खासियत है कि इसमें पीनट्स नहीं है, तो जिनको पीनट्स पसंद नहीं है उनके लिए इस तरह की सब्जी बहुत अच्छी होती है और बहुत हेल्दी होती है। वेट लॉस करने में तो बहुत रामबाण है, क्योंकि इसमें हर तरह के विटामिन मिनरल्स होते हैं, और विटामिन मिनरल्स का मतलब कि आपका वेट लॉस वेट गेन जो आपका गोल हो आपका अचीव होगा।